इंदौर पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए सलमान नामक बदमाश को गैंग के 3 सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया, जो कि पेट्रोल पंप पर लूटपाट की योजना बना रहे थे। पकड़ाए बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इंदौर के डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर खजरान थाना क्षेत्र के अंगारा मैदान समा नर्सरी के पीछे सलमान अपने अन्य सदस्य साबिर खान, बबलू चौहान, अप्पू गोयल सहित एक अन्य बैठ कर लूटपाट व डकैती की योजना बना रहे थे। सूचना के आधार पर दबिश देकर 4 बदमाशों को पकड़ा गया है, जबकि एक फरार हो गया है, जिसके पास धारदार हथियार, मिर्ची पाउडर सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। बदमाशों से पूछताछ में 25 मोबाइल फोन, 2 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं अब पुलिस बदमाशों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि अन्य आपराधिक घटनाओं का खुलासा हो सके। उसी में लगभग आज 131 मोबाइल, जिनकी अनुमानित जो कीमत है लगभग 26 लाख रुपए है, वो सभी को लौटाए जा रहे हैं। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मोबाइल धारक हैं। आज जो साइबर की टीम है, जितने भी आवेदन प्राप्त थे उन पे, और इसके अलावा जो त्यौहार और सवारियों के दौरान कुछ 6 आरोपी ऐसे पकड़े गए हैं जिनसे काफ़ी भारी तादाद में मोबाइल वगैरह जब्त किए गए हैं। तो लगभग 130 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 26 लाख है, उनके जो धारक हैं या उनके जो मालिक हैं, उनको आज वापस किए गए हैं। सर, इसमें कितने आरोपी पकड़ाए हैं, जैसे चोरी भी होंगे? इसमें जो प्रकरण संज्ञान में आए हैं उसमें 6 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो डकैती की तैयारी या उसकी योजना बना रहे थे। उनसे जब पूछताछ की गई, उन्होंने जो पूर्व में उनके द्वारा घटनाक्रम किए गए हैं उनका भी खुलासा किया गया, जिसमें उनके पास से लगभग 30 मोबाइल बरामद किए गए। और इसके अलावा लगातार जो मोबाइल गुमने की शिकायत, खासकर जो आसपास के धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन में जो लोग आते हैं उनके जो मोबाइल गुमे थे, उनको जब हम लोगों ने सर्च किया तो लगभग 100 मोबाइल आज, जो 100 और जो 30 इनसे हुए हैं, उन सबको आज वापस किया गया। इसमें लगातार जो टेक्निकल टीम है वो काम करती रहती है, और कई बार घूमने के बाद अनजाने में कुछ लोग उसका एक दो दिन इस्तेमाल भी करते हैं, तो जैसे ही उनसे संपर्क करता है तो वो अपना मोबाइल जो किसी और का होता है उसको लौटा के चले जाते हैं। तो आपराधिक मंशय ना होने के कारण हर प्रकरण में कायमी नहीं की जाती है, और सामान्य तौर पर बातचीत वगैरह करके मोबाइल धारकों तक वापस मोबाइल पहुँचाए जाते हैं। टोटल अभी तक कितने मोबाइल पुलिस लौटा चुकी है? पिछले कुछ समय में लगभग 250 मोबाइल के आसपास पुलिस लौटा चुकी है। सर, कहां पर डकैती हुई? ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।